नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। सूरत के एक किंडरगार्टन स्कूल की टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह महिला टीचर 4 साल की बच्ची को कम से कम 30 बार थप्पड़ मारते हुए दिख रही है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद स्कूल ने कार्रवाई करते हुए महिला को निलंबित कर दिया है। यह घटना सोमवार को साधना निकेतन स्कूल में हुई। क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे में बच्ची की पिटाई का फुटेज कैद हो गया। वायरल क्लिप में टीचर लड़की के बगल में बैठी हुई है और उसकी पीठ और गालों पर लगभग 30 बार थप्पड़ मार रही है। आरोपी महिला की पहचान जशोदा बेन खोकरिया के रूप में हुई है। सहायक पुलिस आयुक्त विपुल पटेल ने कहा, बच्ची के माता पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। यशोदा बेन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और किशोर न्याय एक्ट 2015 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तारी किया गया है। मामला तब सामने आया जब स्कूल के प्री प्राइमरी सेक्शन में पढ़ने वाली लड़की के माता पिता ने मीडिया के साथ सीसीटीवी फुटेज साझा किया, जिसमें खोकरिया सोमवार को एक कक्षा के दौरान किसी कारण से उनकी बेटी को बार बार उसकी पीठ पर मारते और उसे थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रही है। घटना को लेकर हंगामे के बाद गुजरात के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पंचेरिया ने बच्चे के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा की और जिला शिक्षा अधिकारी को घटना की जाँच करने को कहा। स्कूल अधिकारियों ने जल्द ही शिक्षक को स्कूल से निलंबित कर दिया। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।